नगर एवं क्षेत्र में गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं को लेकर आज पठारी तहसील में जिला पंचायत सदस्य सुभाषिनी बहुत और सुभाष बहुत ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि योजनाएं संचालित जो कर रही है वो योजनाएं गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जनता का हक जनता को नहीं मिल पा रहा है। पठारी में भीषण जल संकट है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिन गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कुटीर की लिस्ट में है, उन्हें कुटीर मुहैया नहीं कराई जा रही। भाजपा की सरकार अपने नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिक तवज्जो दे रही है, जबकि आम जनता बीजेपी सरकार से परेशान है। सुभाषिनी बोहत ने कहा कि यदि पठारी क्षेत्र के समस्याओं का शीघ्र हल नहीं किया गया और टैंकर से संपूर्ण पठारी क्षेत्र में पानी वितरण का काम शासन ने नहीं किया संभाला तो उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुटीर योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। विदिशा पठारी से आशीष सहली की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन सौंपा है वो किस संबंध में सौंपा है? आज हमने ज्ञापन किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा है। आज हमने यहाँ ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है कि किसानों की बहुत सारी समस्याएं, कुटीर नहीं मिला है, पट्टा नहीं मिला है और बहुत सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं मिला है। पानी ज़मीन के अंदर मतलब निकल ही नहीं रहा है पानी, और पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। महंगाई बेरोजगारी बात नहीं हो रही, बात हो रही है हिंदू मुसलमान पर। देश किस तरफ जा रहा है आज? देश हमारा महंगाई की ओर चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, और मोदी जी हैं कि वो अपने होश में ही नहीं आ रहे हैं। चरम सीमा पर हमारी महंगाई चढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल के भाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं, नागरिक परेशान हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। गैस की टंकी, अनाज, दाल, चावल हर तरह से परेशान हैं। सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएँ और नागरिक परेशान हैं। मामा से बने बुलडोजर मामा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर मामा अपने दिमाग से कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बुलडोजर मामा सिर्फ बुलडोजर का नाम लेके कहीं भी बुलडोजर चला दे रहे हैं, ये उनका गलत कार्य कर रहे हैं। वो अपने दिमाग से निर्णय लेंगे। जैसे कि एक इंसान की गलती हर पूरे घर वालों की गलती नहीं होती है। माँ, बच्चा, भाई, बहन, इनकी गलती नहीं होती है। एक इंसान की गलती है तो उस व्यक्ति से आप बात करें, उसको सजा दें। पूरे घर की सजा इसमें नहीं होती है। बुलडोजर मामा से हमारी ये प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप अपने दिमाग से निर्णय लीजिए। जैसा कि कानून की जगह क्या बुलडोजर न्याय करेगा? कानून का राज है देश में, कानून की बजाय बुलडोजर न्याय कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कानूनी न्याय करेगा। अब देखिए, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उन्हें कानून है तो वो कानून अपनी आंखों से देख सकता है, वो देखेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।